बड़ी खबर, मनेंद्रगढ़ से आ रही, जहां पर नशे में दवाई लेने पहुंचा है शराबी। उप स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स मौजूद थी, पुलिस स्टाफ से बदतमीजी करता रहा शराबी। अक्सर देर रात शराबी उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र सिरौली का ये पूरा मामला है। तो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर देश भर में हड़ताल हो रही है, डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग की जा रही है। इसी बीच नशे में धुत होकर शराबी दवाई लेने पहुंचा है। जिस वक्त ये शराबी पहुंचा था, मौके पर स्टाफ नर्स मौजूद थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रविकांत, एक तो देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, और इसी बीच बीती रात जब अस्पताल में एक स्टाफ नर्स तैनात थी, इस तरह से शराबी अस्पताल में पहुंचता है, हंगामा करता है, और अक्सर यहाँ पर लोग पहुंचते हैं शराब पीकर, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई पूरे मामले को लेकर? क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या डॉक्टर वाकई वहाँ पर सुरक्षित हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ जहाँ देश भर में कोलकाता के रेप कांड और हत्या के मामले में प्रदर्शन जारी है, अस्पताल के सभी स्टाफ डॉक्टर प्रदर्शन कर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, उनके गृह जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आना, कहीं ना कहीं अस्पतालों में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित नहीं है। लेकिन रविकांत, आखिरकार ये शराबी आरोपी है कौन? क्या इसकी पहचान हो पाई है? कहाँ का रहने वाला है? किस इलाज के लिए पहुंचा था मौके पर? और स्टाफ में कौन कौन मौजूद था स्वास्थ्य केंद्र में? जिस वक्त यह शराबी अस्पताल में पहुंचा था, तो उस वक्त एक महिला स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में मौजूद थी। जब महिला स्वास्थ्य कर्मी से यह शराबी युवक बदतमीजी करने लगा, तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। तब पुलिस कर्मी वहां पर पहुंचे, तो शराब के नशे में पुलिस कर्मियों से भी यह शराबी युवक बदतमीजी करता नजर आया। इसके बाद पुलिस उसे बैठा करके सिटी कोतवाली लेकर आई। अब देखना यह है कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल, जिस तरह से पहले तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में बदतमीजी, उसके बाद बदसलूकी पुलिस के स्टाफ से भी की जाती है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे आरोपियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बना रहा है, बना लो, दारू पिए हो ना? बैच नंबर आपका था। आप क्या बोले? दारू पी के टाइट हो? हूँ तो। हाँ, हो ना? गिरा हूँ मैं दवाई के लिए। चलो ठीक है, दारू पिए हो ना? मेरा वीडियो कॉलिंग ले रहा हूँ। दारू पिए हो ना? मेरा वीडियो बना रहा हूँ। बना रहा है, बना लो। दारू पिए हो ना? बैच नंबर आपका था। बैच नंबर बताओ। किसका? अपना। पुलिस स्टाफ हो ना? हाँ। बैच नंबर।